बड़ी बाबू का ना बस बाबू साफ ये टिकती सुनी ना ना ओ दाना बदाने दाना ना ओ दोती लगाने ना 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 ओ दोती लगाने मैं सुना रहमान रहीम जैसा कि आप सब जानते हैं आज बलोच सकाफत और बलोच कल्चर डे 2 मार्च को मनाया जाता है। सोच नहीं दाऊ नहीं सारा मगर सब मार रहा हूँ दुबई शौक रहे गरीब पढ़ाई या करने जो सब जी जाए बाबी ले जाए तो कम से के या खाना जो मंजूरी जो मैं सब जी ले बाबी खचारी अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज 2 मार्च है बलोच कल्चर डे जो है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो है मनाया जा रहा है। जो कौमें अपनी सकाफत मनाती हैं उनकी पहचान जिंदा रहती है और बलोच कल्चर डे मनाने का मकसद अपनी सकाफत को जिंदा करना है। मेरे साथ मौजूद हैं ज़िया कल्पर बुगटी और यहाँ पर आए हुए हैं टिल्ली मठ में और तंगवन मठ भी इसको कहते हैं, टिल्ली मठ भी कहते हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर कल्चर डे जो है मनाया जा रहा है, यहाँ पर दूसरी साइड पर जो बलोची सज्जी वो भी यहाँ पर जो है बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो रवायती खाने हैं वो भी हैं, इसके अलावा बलोची साज और सुर है वो भी आपको सुनाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे किस तरह से बजाते हैं। इसके साथ साथ ज़िया कल्पर बुगटी मेरे साथ मौजूद हैं। आज के दिन के हवाले से पूछते हैं कि आज क्योंकि 2 मार्च है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कल्चर को जो है मनाया जा रहा है, तो ज़िया साहब से पूछते हैं कि आज के दिन के हवाले से क्या मैसेज देते हैं बलोच कौम को, पाकिस्तान के लोगों को। ज़िया साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जैसा बताइएगा कि आज 2 मार्च है, पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बलोच कल्चर डे मनाते हैं, 2 मार्च की कितनी अहमियत है बलूचिस्तान में और बलोचों के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं आज बलोच सकाफत और बलोच कल्चर डे 2 मार्च को मनाया जाता है, तो इस दिन की मुनासबत से आज पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, डेरा बुगटी में, बलोच कौम जहाँ भी हैं वो अपनी कल्चर डे मना रहे हैं और जिंदा कौमें अपनी कल्चर डे जिंदा दिली से और खूबसूरती से मनाते हैं। तो आज हम भी यहाँ टिल्ली मठ मौलानी एरिए में अपने दोस्तों के साथ, अपने नौजवानों के साथ, बुगटी कौम के या नौजवानों और बुज़ुर्गों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं और अपना बलोच कल्चर डे मना रहे हैं ताकि दुनिया को और माशरे को दिखाया जाए कि हम बलोच कौम एक जिंदा कौम हैं और मोहब्बे वतन पाकिस्तानी कौम हैं और हम बलोच कौम पूरे पाकिस्तान के लिए अमन और मोहब्बत का पैगाम देते हैं। हम मिलनसार लोग हैं और पाकिस्तान के साथ साथ बलोच के अलावा जितने भी हमारे पाकिस्तानी कौम हैं, पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोच हो, हम सब भाई हैं और इंशाल्लाह क़यामत तक अपनी बलोच कल्चर डे इसी तरह खूबसूरत अंदाज में और जिंदा दिली से मनाते रहेंगे। शुक्रिया। ये ज़िया भाई अपने जो तासरात आपको बता रहे थे कल्चर डे के हवाले से और कहते हैं ना कि बलोच एक जिंदा दिल कौम है और इसी तरह उनकी कल्चर जो है वो जिंदा है। शरीफ भाई से पूछते हैं कि आज के दिन के हवाले से क्या कहते हैं। शरीफ भाई बहुत शुक्रिया। 2 मार्च है, पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान में जितने भी जो लोग बलोच आबाद हैं वो आज कल्चर डे मना रहे हैं, तो उनके लिए मैसेज। वालेकुम अस्सलाम रहमान भाई, बहुत मशहूर हूँ आपने आज आके हमें यहाँ पे जो टाइम दिया है, तो इस मुनासबत से मैं आप लोगों का भी मशहूर हूँ, तमाम दोस्तों का। आप लोगों ने आके जो है हमारे इस रौनक को सजाया और ये बहुत ही अच्छा एक महफल है, तो अल्लाह आपको जन इज़्ज़त दे, आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया शरीफ भाई, जो कि तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा कर रहे थे जो यहाँ टाइम निकाल कर इसके पास आए हैं। बलोच कल्चर डे सिर्फ क्योंकि इस दिन को बनाते हैं और अपनी सकाफत को उजागर करते हैं ताकि दूसरी कौमों को ये पता चल सके कि बलोच एक जिंदा दिल कौम है और अपनी कल्चर और अपनी सकाफत को मनाते हैं। इसके साथ साथ इसका यह मतलब नहीं कि आज के दिन को बनाना है, क्योंकि आपके अमल से, आपके अखलाक से, आपके रवैये से, आपके मेहमान नवाजी से ये पता चल सके कि आप बलोच और वाकई बलोचियत रखते हैं। और वैसे भी कहते हैं ना कि अगर कोई बंदा गलत काम करा हो तो कहते हैं कि था बलोची ने, तो वही चीज़ आपके अंदर भी होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी साइड पर आपको लेके चलते हैं, वहाँ पर सज्जी जो है बन रहा है, रवायती खाने बन रहे हैं, इसके साथ साथ जो बलोची साज उसर है वो भी आपको सुनाएंगे। हमारे साथ रहिएगा, यहाँ पर रहते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। खुश आमदीद, मेरे साथ मौजूद है साथी मोहम्मद मासूम भाई और उसे पूछते हैं कि कल्चर डे के हवाले से और यहाँ पर जो ट्रेडिशनल सज्जी बन रही है उस हवाले से भी पूछेंगे कि लोग इसको देख रहे हैं उनको पता चल सके कि बलोची खानों में इसकी कितनी अहमियत है। और सर बताइएगा आज के कल्चर डे के हवाले से और ये जो बलोची रवायती खाना तैयार है इसके हवाले से। इमरान भाई, जैसे आपको पता है कि 2 मार्च का दिन जो है हम बलोचियों की सकाफत का दिन है,
हम इससे जो है अपनी सकाफत को प्रमोट करने के लिए, पूरे दुनिया को दिखाने के लिए हम 2 मार्च को जो है कल्चर डे मनाते हैं। तो इसके साथ साथ जब हम कल्चर डे मनाते हैं, जब हम आउटिंग पे निकलते हैं, उसके साथ बलोची खाने जैसे सज्जी हो गया, काक हो गया, कोकी हो गया, हम ये भी बड़े शौक से बनाते हैं। सज्जी जो है हमारा एक सकाफती डिश है जो पूरे दुनिया और पाकिस्तान में मशहूर है। इसको जो है बनाने में, इसको जो तैयार करने में तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लगते हैं। इसके लिए कोई मसाला जात, कोई घी, कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं होती। ये सिर्फ आग की तपश से और काली मिर्च और नमक से तैयार होता है। सज्जी हमारे बलोचों में बहुत मशहूर है। इस बलोचों के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में इसको शौक से खाया जाता है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक कल्चर मनाने का दिन है, सकाफत को मनाने का दिन है, तो हम बलोच अपनी रवायात, अपनी मेहमान नवाजी और अपनी सखावत से साल के 365 दिन हम जो है अपनी सकाफत मनाते हैं। आज के दिन 2 मार्च को सिर्फ हम पूरे दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारी सकाफत क्या है, बाहर के लोग, बाहर की दुनिया हमारे सकाफत से रोशनास हो, तो इसलिए 2 मार्च को हम हर साल बलोची कल्चर डे मनाते हैं। बहुत शुक्रिया जी। हर साल 2 मार्च को बलोची कल्चर डे जो मनाया जाता है अपनी सकाफत को दिखाने के लिए तमाम दुनिया के लोगों को कि जी हम जिंदा दिल कौम है और तभी हमारी जो है वो सकाफत जिंदा है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर सज्जी जो बन रही है, दोस्त भी इंतज़ार कर रहे हैं। और जिस तरह से मासूम भाई ने बताया कि इसमें कोई मसाला जात और कोई चीज़ें ज़रूर नहीं होती, ना कोई घी वगैरह, आपके सामने है। और इसको जो है लकड़ियाँ जलाकर उनके कोयले से, उनकी हीट से, उनकी तपट से जो इसको बनाया जाता है, तो ये आपके सामने है। दूसरी तरफ जाएंगे जो काग, जिसको बलोची रोटी कहते हैं, पत्थर से जिस तरह रोटी को बनाते हैं, वो आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। मेरे साथ सुई का स्टार डोडो खान मौजूद हैं, टिकटॉक स्टार हैं। और आपने इसकी बातें भी सुनी होगी क्योंकि ये अनएजुकेटेड है, लेकिन ये बातें बहुत दानाई की करता है। जिस तरह से इसने बच्चों को बताया कि जी पबजी ना खेलें और इसके खेलने से आपका टाइम ज़ाया होगा, आप वो टाइम अपनी तालीम हासिल करने में दें। और इसके साथ साथ इसने बहुत अच्छी बातें भी की हैं, लेकिन गरीब ज़रूर है, लेकिन इसने जो बातें की हैं वो यकीनन दानाई वाली बातें की हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, 2 मार्च के हवाले से बात करेंगे, कल्चर डे के हवाले से बात करेंगे, डोडो खान मर्शी। 2 मार्च हैं, कल्चर डे पूरे पाकिस्तान अंदर बलोच टाइम है। और मर्शी ये छः ख्याल है, मर्शी 6 मैसेज दे, बलोचिस्तान है बलोच मर्द मारा और सूई है मर्द मारा और ओवरऑल पाकिस्तान है मर्शी। 2 मार्च वाला कल्चर डे वाला 6 मैसेज दे। सोचनी दाऊ नहीं सारा मैं उस मार रहा हूँ दुबई शौक रहे गरीब फटाई आखने नौजवान सो पबजी लेवा बिले दे तो कम से के आख नौजवानी मन जीरी दिन सी माता पबजी लेवा बंद करें खचारी लेवा मरदा सो पबजी लेवा पछिया बंद करें सब मेरा मां रब लाश तुरसा दी रबरा मिले वा शाह बिले दे शारदारी कुल्ला रुपया नो परचे दे ती गुजारा इखने राह की इखने फेदे मास किस्म तकने ई मुरसी ना मां पबजी मां हमें लेवा खिलाफ ने वो हमें इतना गाँ है मिलाए वा कुला बंद करे सा सारी मई गुस्तियत गिरी परचा दिया फड़ा जेबा कुला और कहने रहा जेबा कुला गंदी में बुर रहा है कि दस जना जना गुड़ रमा दुबई ऐसा है प्याज के दिमाग में प्याज के लुट रहा है फुजिस भी है धीर ने दरिया के से दरिया खाए ना ना खाए ना फाई खाए ना बुजी दिया खाद के दवा दिया सुखना गुड़ सुजी खाए ना अर्धिक दिया चना दरिया गुड़ ना खोखना सोच है मैंने कहा कुछ चलें बहुत शुक्रिया। ये थे जी डोडो खान बता रहे थे जेबा गुल से मिलने जाना है और गंदम की कटाई के बाद मैं जेबा गुल की तरफ जाऊंगा और समंदर के रास्ते या पैदल जो है वो गैलन के ऊपर बांध कर समंदर में जा समंदर के ज़रिए जो है वो दुबई पहुंचूंगा, अपनी जेबा गुल से मिलूंगा। ये थे डोडो खान। और इसके अलावा आपको जो बलोची नटसुर और बलोची सासुर जिसकी बहुत बड़ी अहमियत है बलोची कल्चर में, बलोची सकाफत में, बलोची ज़बान में, वो भी आपको सुनाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। लगा ले ना 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 ओ धोती लगा ले ना 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 ओ आ
तो फक्कने ड्रानना ओ आज तो फक्कने वामना ओ जीजी वो जीजी साकना ओ से कुम मारा जाकना ओ जीजी वो जीजी मंदरी पर ईद कवा कर तो अंतरी ओ जी पहले ये आपके सामने है काज की रोटी जिसको कहते हैं और ये बड़े पत्थर के जरिए से इसको बनाते हैं। पूछते हैं भाई से कि इसको किस तरह से बनाते हैं, यार बताइएगा कि इसकी बनाने का तरीका ये है भाई। पहले तो इसके अंदर एक पत्थर होता है, उसको हम बड़ा गर्म करते हैं, ताकि ज़्यादा सा गर्म हो, उसके अंदर पत्थर के अंदर ये आटा रखते हैं, इसको पूरा बंद कर देते हैं, ताकि पत्थर ज़्यादा गर्म गर्म होते होते चारों तरफ बन जाता है। ये हमारा बलोची नान होता है, ये पत्थर से होता है, तवे की जरूरत न पड़े। पत्थर को गर्म कीजिए अंगारे में, ऊपर उसको बना के अंगारा देखिए तैयार होगा, और उसमें मिट्टी कुछ भी नहीं रहता हुआ, और इस रोटी को हम मिट्टी में दफन करके बनाते हैं। तो रेत ज़्यादा गर्म होता है, उसी पर बनाते हैं, तो रेत गर्म है उस पर दफन करके तो बन गया तवे, देखो उसमें कोई मिट्टी नहीं बगैर तवे। ये रवायती जो है रोटी है बलोची आज ये स्पेशल बनाई गई है, जो इसके साथ साथ जो गर्म रेत होता है, गर्म रेत को इसको रखते हैं और ये पत्थर सामने कोई मिट्टी नहीं, और ये पत्थर के जरिए से इसको बनाते हैं। इसके साथ साथ ये जो बलोची सब्जी आपने इनका नाम तो सुना होगा, लेकिन आज देख लें किस तरह से, हमने आपको पहले भी बताया कि किस तरह से बन रही है और ये बन चुकी है, और वी आर वेटिंग फॉर मिजाजिये लेला लेला वो लेला ब्यातर बराम सेला, मिजाजिये लेला लेला वो लेला ब्यातर बराम। वेलकम बैक नाजरीन, फाइनली खाना जो तैयार हो चुका है, दोस्त आपके सामने खाना खा रहे हैं, और इसके बाद आज 2 मार्च है, 2 मार्च बलोच कल्चर डे है, पूरी दुनिया और पाकिस्तान समेत आज के इस दिन को कल्चर के नाम से जो है वो बलोच मनाते हैं। आज के दिन अपनी सकाफत को उजागर करना और अपने सकाफत और अपने जो सकाफत से रिलेटेड जो ट्रेडिशनल खाने और जो इनके साज और म्यूज़िक उनका जो है वो दिन है उनको मनाते हैं। इसके साथ साथ इंडियन फ्लास के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बलोच कल्चर डे का मकसद अपनी बलोच जो कौम है, एक जिंदा दिल कौम है, और अपनी पहचान को तभी उन्होंने जो वो ज़िंदा किया हुआ है। सकाफत बनने का मतलब अपनी सकाफत अपनी कल्चर को ज़िंदा करने की कोशिश करें कि आप इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारें कि आपके किरदार से, आपके ताल्लुक से, आपके मेहमान नवाजी से ये पता चल सके कि आप बलोच हैं और आपका ताल्लुक से बलोच कबीले से है। तो इन्हीं अल्फाज से इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।